हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके ताजदार हरम कोक स्टूडियो के सीजन 8 का रिएक्शन। एंड लाइक ए सीजन 8 का है, हम लोग ऐसे पुराने सॉन्ग्स देख रहे हैं लाइक कोक स्टूडियो के। एंड कोक स्टूडियो लिटरली यार इतने सीजन से कमाल करता है। एंड लाइक ये तो उसके प्रॉपर जेम्स है। लाइक अभी अभी वाले जो है नेरे नेरे वस हो गया, फिर ये दुनिया हो गया, और ऐसे सारे सॉन्ग्स हो गए आजकल ट्रेंड मार रहे हैं। लेकिन ये सब तो जेम्स है, ये ऑल टाइम ट्रेंडिंग सॉन्ग्स है। सो उसमें से एक हमें भेजा गया है ताजदार हरम, और ऊपर से गाया है आतिफ असलम ने। सो एक्सपेक्टेड है कि ऑफकोर्स पर हिटी होगा। सो देखते हैं कैसा हो। और अगर आतिफ असलम की बात करें ना, अगेन इतने ज्यादा टैलेंटेड है, एक्टर है और राइटर है और सिंगर है, मतलब कहते हैं ना पूरा पैकेज है ये। और ये भाई इंडिया में भी बहुत ज्यादा फेमस है, इनकी आवाज ही ऐसी है ना कि क्या ही बता। और मुझे ऐसे लगता है ना कि जो इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ जोड़े रखा है ना अभी भी, वो है यहाँ का म्यूज़िक बेसिकली, ठीक है। क्योंकि और बॉलीवुड भी बोल सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान के म्यूज़िक होते हैं, गाने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंडिया में सुने जाते हैं। और जो इंडिया के गाने होते हैं, मूवीज़ होती है, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलती है। तो ये कह सकते हैं जो इंटरटेनमेंट है बेसिकली, वो हम दोनों कंट्रीज़ का काफ़ी हद तक सेम है। और ये एक भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम लोग अभी भी कहीं ना कहीं एक दूसरे की कंट्रीज़ जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और कभी कहीं ना कहीं वो प्यार अभी भी है हमारे एक दूसरे के बीच, तो ये बोल सकते हैं हम। बाकी मैं अगर आतिफ असलम की बात करूं तो मैं आतिफ असलम की बहुत बड़ी फैन हूं। मुझे उनके गाने बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं, और जितने सुंदर वो खुद है ना उतने ही उनके सुंदर वो गाते भी है। तो देखते हैं ये वाला गाना कैसे होने वाला। और मैं ऐसी हूं ना कि यार ये 6 साल पहले गाना आया, मैं क्या कर रही थी, मैंने क्यों नहीं सुना। और हम इसको दोनों पहली बार सुनने वाले, तो देखते हैं फिर गाना कैसे होने वाला। भाई देखते हैं कैसा होगा, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। जब भी ऐसे म्यूजिक स्टार्ट होना, मतलब कुछ क्लासिक आ रहा है, कुछ तगड़ा आ रहा है, बस कुछ अलग ही वाइब्स होती है इसकी ये। हाँ इससे सिंपली मेरे को तो राजस्थान की फील आने लगती है। वो सही में इंडिया में है ना वैसा उदयपुर जोधपुर टाइप वाइब। हाँ किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, कातबे तकदीर यार कितना सुंदर गाता है ये। ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। क्या बात है यार, क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसम क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम, कोई अपना नहीं गम के मारे हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। हो निगाहे करम चौखट पे हम, हो
पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। बहुत ही सुंदर आवाज आती, मतलब अपनी आवाज में तालियां भी देना मेरे को अच्छा लगा। ताजदार आवाज है यार, बहुत कमाल है। तो ये क्या, कितना सुंदर काम हुआ है इंस्ट्रूमेंट्स का। तो बीट चेंज कर दी। क्या तुमसे कहूं ऐ रब के कुंवर, तुम जान तो मन की पतियां दार फुरकत तो आए उम्मी लकब काटे ना कटती अब रतियां। तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक रहेगी ये बेखबरी। कहे बिगह दुस्ती दा नजर कभी सुन भी तो लो हमारी बतियां। आपके दर से कोई ना खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया। अपने दामन को भर के सवाली गया, आए हाय दामन को भर के सवाली गया। ओ हबीबे हसीन, ओ हबीबे हसीन, पर भी आका नजर मरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे। कैसे वो पेस चेंज की, इतना स्विफ्टली किया और मस्त किया। मैं कशो आओ आओ मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले। मैं कशो आओ आओ मदीने चले। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, हमे हयात ना खौफे कजा मदीने में। इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में। बड़ा है रास है राहे खुदा मदीने में। आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले। मैं कशो सारे लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। पीने चले दस्त साकी कौसर से, पीने चले। याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर। उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। हल्का सा फिर से बीच चेंज किया लगता है। बिजलियों का है डर,
किधर जाए हम, सब तो मुश्किल है किधर जाए हम। आप ही कर लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाए। क्या बात है, मुस्तफा या मुजतबा, इरहम लना इरहम लना, दस्ते हम बेचारा रा, दामातु दामातु वी, मन आसियम मन आजसम मन बेकसम, हाले मेरे पुरसा। वाह पुरसा तू जोरदार है। नहीं ऐ मुश्तबे जुमरिशा पैके नसीमे सुबह दम, ऐ चारा लाइक हर चीज के कंट्रोल में हो ना वैसे। ऐ मून से बीमार गम सिदे पुरखंदा पे, तुझको उसी गुल की कसम, इन्नल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम, बल्लिग सलामी रोजतन फी हन नबी अल मोहतरम, ताजदारे हरम। ओ निगाहे करम, जितनी तारीफ करो कम है यार, पूरे से गूज बम खा गए। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम ताजदारे हरम। वाह, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा थैंक यू टू कोक स्टूडियो कि हमें इतने जबरदस्त जैम उन्होंने दिए हैं, क्योंकि देखा जाए तो कोक का क्या काम है, कोको कोला कंपनी है और वो अपना काम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इतना क्रिएटिवली सोचा कि ऐसे कोक स्टूडियो बनाते हैं, वहाँ पे हम इतने बड़े बड़े सिंगर्स को लाते हैं और उनको कुछ सॉन्ग्स को मेलोडियसली गाने को देते हैं एंड लाइक उनको सारा प्रोडक्शन सब चीज़ देते हैं। सो लाइक थैंक यू जिसने भी ये सोचा और जिसके दिमाग में आया, बिकॉज उसकी वजह से हमें इतने जेम ऑफ सॉन्ग्स मिले हैं और इतने ज़बरदस्त वर्जन्स मिले हैं कुछ सॉन्ग्स के कि हमें मदहोश कर देते हैं एंड लाइक अभी तक वो मिल रहे हैं। सीजन 14 हो चुका है तो अभी तक एक से एक नंबर वन सॉन्ग्स आ रहे हैं और इतने बड़े बड़े क्लास सॉन्ग्स आ रहे हैं, बहुत शानदार। एंड जहां तक हम ये सॉन्ग की बात करें यार, बहुत ही शानदार था जिस तरीके से वहां पर उन्होंने स्टार्ट किया। पहले इतना स्लोली स्टार्ट किया, लाइक इतने बीट्स नहीं थे, इतने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बज रहे थे, फिर उन्होंने टोन चेंज की, उन्होंने बीट चेंज की। अभी रिसेंटली ये हुआ था कि बहुत सारे रैप बैटल्स होते थे ना तो उसमें बीट चेंज करते थे तो एकदम से कुछ नयापन दिखता था, तो यहाँ है कि ये इन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था आतिफ असलम ने बीट चेंजिंग का काम, तो एंड उसको कैरी करते हुए इतना शानदार तरीके से किया। फिर बेस्ट पार्ट वो था जब वो खुद अपने बोलने से ही वॉल्यूम कम कर रहे थे सबकी एंड वहाँ पे धीरे धीरे किया एंड फिर उन्होंने तेज कर दिया था, तो यार बहुत ही शानदार था। और ये तो हम लोगों को पता है कि गाने से ऐसे लग रहा था कि वो गाना भगवान के लिए से ऐसे ही बना है, इतना ज़्यादा कामिंग था ना। मुझे ऐसे लगता है कि यार तुम ना चाहे जितना मर्जी बोल दो, तुम हिप हॉप ये रैप वगैरह जितना सुन लो ना यार ठीक है, लेकिन जो असली दिल है ना मुझे ऐसे लगता है वो क्लासिकल म्यूज़िक ही जीतता है। क्योंकि चलो ठीक है यार, हम लोग ऐसे कि मैं अब ये नहीं बोल रही कि जो मतलब बेसिकली हिप हॉप गलत है, नहीं मुझे भी अच्छा लगता है हिप हॉप सुनना, लेकिन सही बोलूँ मेरा दिल क्लासिकल की हो रही है। और एक तो इसमें ना ऐसे गाते हैं ना कि खुद ही ऐसे मदहोश हो जाते हैं, जिसको क्लासिकल पसंद नहीं होगा ना फिर भी वो थोड़ा सा ऐसे सुन लेगा ना, वो भी ऐसा हो जाएगा कि मैं क्लासिकल का फ़ैन हो गया। और जब आतिफ असलम ने स्टार्ट ही किया ना, यार पार हम दोनों ऐसे थे वाह, उन्होंने स्टार्ट ही किया था और हम दोनों ऐसे थे वाह, इतना सुंदर गाते, उनकी आवाज़ ना बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस ही बहुत ही ज़्यादा। और कोक स्टूडियो में ये बोलना ना गलत होगा कि ये मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट है, तुम चाहे सीजन 1 से देख लो ना अभी तक सीजन 14 तक एक से बढ़कर एक गाना है। ऐसा नहीं कि अभी आ रहा है, स्टार्टिंग से इनका ये रिचुअल है बेसिकली इतने अच्छे गाने लाने का, और जिस हिसाब से सिंगर्स गाते हैं और अपनी ऐसे कलाकारी दिखाते हैं ना यार, एक से बढ़कर होते हैं ये। और मुझे समझ नहीं आता कि कैसे गा कैसे लेते इतना सुंदर गाना। आतिफ असलम ने जो छोटी छोटी वो खेला ना गानों के साथ, सुरों के साथ, इतना मजा आया था सुनकर। और ऐसा था उनका एक प्रॉपर रिदम में चल रहा था वो सारे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे गिटार तबला मतलब सब, मतलब मुझे एक चीज अच्छी सबसे अच्छी लगी जब तबला वाला काम हुआ ना यार, वैसे ही वो गिटार आ गया और वैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया। मैं ऐसी थी ना, कहते ना मदहोश हो जाना पूरा, तो मैं सीरियसली उस टाइम ऐसे मदहोश हो गई थी। और
जब वो क्लासिकल वो स्टार्टिंग वाले अभी पारूम जैसे कह रहे तो वाइब ही अलग होती है, वैसे ही वो गाना बहुत ही ज़्यादा हिट होता है, तो सेम ऐसे गाने बहुत ही ज़्यादा हिट होते हैं। और यार कोक स्टूडियो का ना हम जितना थैंक्स करें कम है यार, मतलब जितना कोक स्टूडियो को पाकिस्तान में फेमस है ना उतना ही पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो मतलब लोग ऐसे ना कि लैंग्वेज समझ नहीं आती तब भी कोक स्टूडियो को सुनना पसंद करते हैं क्योंकि इनके गाने कुछ ऐसे होते हैं यार। और आई होप हम लोगों को एक से बढ़कर एक सिंगर मिले और जो हमारा बेसिकली क्लासिकल म्यूज़िक है ना वो कभी खत्म ना हो। और सीरियसली हम लोग बहुत ज्यादा लकी है कि हम लोगों को उनको सुनने के लिए मिल रहा है। वही, और साथ में देखे तो वो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले भी इतना एंजॉय कर रहे थे तो उसी तरीके से हम एंजॉय करते थे। बहुत ही शानदार था ये, आप लोगों को कैसे लगा आप अच्छा जरूर बताएगा। और ऐसे ही कोई आइकॉनिक और कोक स्टूडियो के सॉन्ग्स तो वो भी कमेंट में जरूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।